आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि को एक जलीय तत्व राशि है। इस राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातक साहसी और एक दृढ़ निश्चय स्वभाव के होते हैं। ये जातक फैसले लेने में देर नहीं करते हैं, जो फैसला लेते हैं उससे सहमत रहते हैं। ये जातक अच्छे बुरे में फर्क करना बखूबी से जानते हैं। इन जातकों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामने करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही छठे भाव में राहु इन जातकों को स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम देगा, लेकिन साथ ही चिंता भी इन जातकों को सता सकती है। आपके बारहवें भाव में केतु की मौजूदगी मान सम्मान के साथ तनाव व मन में अशांति दे सकता है। वहीं इस माह बृहस्पति भी छठे भाव में मौजूद रहेगा, जिसके चलते जातकों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाकर चलने की जरूरत है। इनकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये जातक कई बार निर्णय लेने में संवेदनशील होते हैं, जो कई बार समस्या पैदा कर सकते हैं। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह छठे भाव में राहु की मौजूदगी से इस राशि के जातक दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के साथ प्रयास को जारी रख सकेंगे और सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस माह केतु और बृहस्पति की प्रतिकूल मौजूदगी के चलते अनचाहे खर्चों की वजह से जातक कर्ज लेने के लिए भी मजबूर हो सकता है। आगे इस माह शनि आपके चौथे भाव में बैठा है, जिससे जातक को पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं करियर के क्षेत्र में भी कठिन लक्ष्यों से आप परेशान हो सकते हैं। शिक्षा व करियर। जुलाई 2023 का मासिक राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह करियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस माह शनि आपके चौथे भाव में मौजूद होगा, जिसके चलते जातकों को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए देरी का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अपने काम में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी, वरना काम में गलतियां होने की संभावना हो सकती है। इस माह छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी करियर के क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा कर सकती है। जैसे आपको इस माह नौकरी में बदलाव या संतुष्टि की कमी महसूस हो सकती है। कुछ जातक नौकरी के सिलसिले से अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। इस माह आपको नौकरी के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि काम में असंतुष्टि के चलते नौकरी बदलने की संभावना हो सकती है। आपको एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, जिसके चलते काम में गलतियां होने की भी आशंका है। वहीं व्यवसाय करने वाले जातकों का भी यह माह आशाजनक प्रतीत नहीं हो रहा है। इस माह बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं, जिसके चलते व्यापार के क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही बारहवें भाव में केतु की मौजूदगी से जातक व्यवसाय के क्षेत्र में गलत फैसले भी ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक जीवन में आपको इस माह मिले जुले परिणाम मिलेंगे, यानी लाभ के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस माह बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपके खर्चों में वृद्धि आ सकती है। कई बार खर्चे इतने बढ़ सकते हैं कि स्थिति पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो सकता है, और ऐसे में आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। केतु बारहवें भाव में और बृहस्पति छठे भाव में मौजूद होने की वजह से जातक की परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। ग्रहों की इस स्थिति के चलते कर्ज लेने के हालात बन सकते हैं। वहीं इसके साथ शनि चौथे भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिससे परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि की इस स्थिति के चलते जातक को सुख सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है,
और जिस वजह से जातक को अपने स्वास्थ्य के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है और ऐसे में इस माह ये जातक बचत करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। इन सब के बावजूद राहु की छठे भाव में मौजूदगी थोड़ी राहत प्रदान कर सकती है। जातक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति और कर्ज के माध्यम से धन लाभ दे सकता है, लेकिन आप द्वारा कमाए गए पैसे आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते और यह इन जातकों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में जातकों को इस माह औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के चलते जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह व्यापार के क्षेत्र में इस माह नए सौदे व पार्टनरशिप न करें। जातक बाहरी स्रोत से व्यापार करने के बारे में विचार कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभप्रद भी हो सकती है। प्रेम व पारिवारिक, जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन के मोर्चे से इस माह आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में मौजूद है और ऐसे में प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह समय कुछ खास अवसर प्रदान नहीं करेगा। वहीं चौथे भाव में शनि की मौजूदगी रिश्ते में प्यार और आकर्षण को कम कर सकता है, जिसके चलते आपसी सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही केतु की 12वें भाव में मौजूदगी प्यार में कमी ला सकती है। दूसरे व पांचवें भाव के स्वामी के रूप में शुभ ग्रह बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, जिसके चलते प्रेम के बंधन में बंधे जातक को प्यार में औसत परिणाम दे सकता है। छठे भाव में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के चलते जातक प्यार में आकर्षण खो सकते हैं और रिश्ते में असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं। यदि आप इस माह विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो इसे थोड़ा टाल दें, क्योंकि इस माह विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। शादीशुदा जातकों को लिए भी यह माह कुछ खास परिणाम देने वाले प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद है, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में खुशी की कमी महसूस होगी। ऐसे में आपको अपने रिश्ते में संयम बनाए रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य, जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह राशि के जातक बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही छठे व दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति पांचवें भाव में मौजूद होंगे। बता दें कि शनि पहले से ही चौथे भाव में मौजूद है और ऐसे में स्वास्थ्य के मोर्चे में जातक सुख सुविधाओं की कमी महसूस कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके चलते वे चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वही राशि स्वामी के रूप में मंगल 10वें भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद है और इस कारण जातक को स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं 12वें भाव में राशि का स्वामी केतु प्रतिकूल स्थिति में है, जिस वजह से असुरक्षा की भावना के चलते जातक को अज्ञात भय सता सकता है। 12वें भाव में केतु की मौजूदगी जातक को सिरदर्द, पाचन संबंधित समस्या और नींद की कमी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगस्त माह के लिए वृश्चिक राशि का शुभ रंग पीला रहेगा और शुभ अंक 2, 4, 6, 8 और 12 रहेगा। प्रिय दर्शक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का सहृदय धन्यवाद।